सामाजिक सरोकारों के संबंध में जो योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ववत जारी रहेगा। ग्रामीणों से जुड़ी योजनाओं का संचालन भी बदस्तूर पूर्व की तरह चलेगा। मुख्यमंत्री जी के कमलनाथ जी के निर्देशानुसार आगामी बजट में ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उसमें कटौती नहीं होगी, क्योंकि चल रहा है कि बहुत से जो ऐसे काम बजट में आते हैं जो बहुत ज़रूरी नहीं है वो उसमें कुछ कटौती हो सकती है, लेकिन ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए जितने मामले इसमें कोई कटौती नहीं होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। दूसरा, आईफा अवार्ड जो प्रतिष्ठित अवार्ड भोपाल और इंदौर मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, जो अभी तक केवल बॉम्बे में एक बार हिंदुस्तान में हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश के संस्कृति को पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार हेरिटेज वॉक होगी, जो अभी तक की दूसरी वो फैशनेबल वॉक्स होती हैं हेरिटेज वॉक होगी, और लोक नृत्यों की प्रस्तुति और जो भी लोग वहाँ आएंगे गेस्ट उनको जो महाकाल और जितने भी इस तरह के प्रतिष्ठित मंदिर हैं उनके भी दर्शन कराए जाएंगे। विमानन विभाग पचमढ़ी में हवाई पट्टी बना रहा है, भविष्य में पचमढ़ी हिल स्टेशन पर एयर स्पोर्ट्स और एविएशन एकेडमी स्थापित करने पर भी सरकार एक योजना बना रही है। शिवपुरी में पहले भी जैसा बताया था कि आयुध फैक्ट्री बनेगी, इसको रिलायंस को 700 बीघा ज़मीन गोला बारूद के लिए दिया है, जो एक नेशनल प्रोजेक्ट है। वो ज़मीन मध्य प्रदेश सरकार ने कमलनाथ जी ने दी है, जिससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगा 70%। दिव्यांग कर्मचारियों को प्रोफेशनल टैक्स में छूट का एक प्रावधान था और इसकी सीमा अगली मार्च 2020 में ख़त्म हो रही थी, उसको बढ़ा दिया गया है और सरकारी छूट जारी रहेगी और छूट का लाभ 40% से अधिक दिव्यांग होने पर दिव्यांग जनों को मिलेगा। साहूकारी अधिनियम में बदलाव करेगी सरकार और लाइसेंसी साहूकार ही सरकार द्वारा तय ब्याज दर पर, तय खुद नहीं करेगा, सरकार तय करेगी ब्याज दर उस पर दे सकेगा, और उससे ज़्यादा लेता है तो उसको आपराधिक प्रकरण होंगे। भोपाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए शीघ्र एक नया कंसेप्ट हो रहा है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कार्यक्रम होगा, जो होशंगाबाद रोड से शुरू होगा। कुकिंग गैस पाइपलाइन से घरों तक पहुंचेगी, वाहनों को भी गैस मिल सकेगी और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 600 करोड़ रुपए का। अमानक दवा बेचने वाली कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और जो तीन वर्ष में तीन बैच अमानक किसी मिलते हैं तो परमानेंट ब्लैकलिस्ट होगी, और बाहर प्रदेश में भी कहीं कुछ कंपनी ब्लैकलिस्ट है दवाओं की तो वो भी मध्य प्रदेश में दवाएं नहीं बेच पाएगी, उनको भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।